हेलो फ्रेंड्स, सिमंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। तो आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही प्यारा सा डिलीशियस डिश लेके आई, जो कि है चिली फिश, जो आप देख ही पा रही हो। तो ये चिली फिश बनाने के लिए मैंने लिया 2 ऑनियन, 2 कैप्सिकम, 1 टमाटो एंड जो है मिर्ची। और अभी हम इसको क्या करें, हम ऑलरेडी मतलब कट कट करके ये सब ऑलरेडी मैं रेडी कर चुकी हूँ, जो कि देख पा रहे हो। लहसुन है, ये है आपका टमाटो, प्याज एंड कैप्सिकम, अदरक का थोड़ा पेस्ट और जो है मिर्ची, ऑलरेडी सब कुछ रेडी कर चुकी हूँ। लेकिन वो जो टमाटो है, टमाटो का जो सीड्स है, वो मैंने ऑलरेडी क्या कर रही हूँ, वो निकाल के रख चुकी हूँ। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ये सब कुछ को अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे। जो है फिश ऑलरेडी लगभग रेडी हो चुकी है। इसमें मैं क्या किया, 1/2 टीस्पून अदरक डाला, अभी 1/2 टीस्पून लहसुन ऐड किया। अभी जो डालेंगे हम वो है आपका विनेगर, ठीक है। तो अभी आप बने रहिए। और ये जो फिश जो है, आप जो देख ही पा रहे हो, और ये कतला फिश है, जो कि कट कट करके 300 ग्राम के लगभग करीब आ गया है। आप लोग भेटकी माछ का भी अप्लाई कर सकते हो। और ये जो मैं ऐड किया अभी, ये है 1/2 टीस्पून जो मैंने ऐड किया, विनीगर ऐड किया। तो इसके साथ साथ हम अभी इसमें क्या ऐड करेंगे गाइस, इसमें हम अभी जो आपका जो काली जो मिर्च होता है, काली मिर्ची पाउडर, वो हम ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून। एंड इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून आपका जो मिर्ची जो पाउडर होता है नॉर्मल, वो ऐड करेंगे थोड़ा स्पाइसी के लिए। तो जो कि मुझे स्पाइसी बहुत ही पसंद है, सो इसलिए मैंने मिर्ची पाउडर भी ऐड कर दिया, ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, मैरिनेट करेंगे। और सर गज जो मैं आपको बोलने वाली थी कि आप चाहे तो आप भेटकी माछ का भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। भेटकी माछ का भी चिली फिश बहुत अच्छा होता है। तो इसको हम क्या किया, ऑलरेडी मैरिनेट कर चुके हैं एंड इसको हम 30 मिनट्स तक रखेंगे, ओके। 30 मिनट्स तक आपको रखना है और 30 मिनट्स के बाद हम इसको और भी थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। तो अभी जो है हम मेरा हो चुका है। अभी जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने 1/2 कप लिया है, जो कि उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करूँगी, क्योंकि कोटिंग अच्छा करने के लिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके करने से क्या होता है, कोटिंग जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, एक ही बार में अप्लाई नहीं कर रही हूँ। वो जो 1/2 कप में लिया है उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। और ये अभी मैंने क्या ऐड किया, नमक ऐड किया। नमक मैंने पहले नहीं डाला, क्योंकि नमक पहले डालने से पानी छोड़ता है, सो इसीलिए मैंने नमक को लास्ट में ऐड किया। तो इसलिए मैं इसको अभी अच्छे से हमने मिक्सिंग कर लिया और वहाँ से मैं और थोड़ा कॉर्नफ्लोर लेके अप्लाई कर रही हूँ। तो इसको आप अच्छे से अप्लाई करके अभी क्या करना है, अभी बस थोड़ा टाइम के लिए रखना है। ऑलरेडी मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि मैंने 30 मिनट्स ऑलरेडी रख चुकी हूँ। अभी इसको बस थोड़ा टाइम के लिए रखेंगे एंड उसके बाद हम जो करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, जो कि मैं लगभग कढ़ाई जो है वो ऑलरेडी बैठा चुकी हूँ, ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो हमारा जो चिली फिश है उसको हम मतलब फ्राई करेंगे। और ज़्यादा आँच में भी नहीं करना है, थोड़ा धीमी आँच में करना है, लो फ्लेम में करना है, क्योंकि ज़्यादा हीट में करेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा। देखने से लगेगा मेरा फिश एकदम अच्छे से पक गया, बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा धीमी आँच में इसको हम फ्राई करेंगे। तो आप सब लोग बने रहिए। और गाइस प्लीज़, मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब लोग ना बहुत ही कंजूसी कर रहे हो लाइक सब्सक्राइब में, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कीजिए एंड सबको प्रेस कीजिए। और जो लोग बेसिकली चिली फिश नहीं पसंद करते, प्लीज़ वो भी घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही टेस्टी होता है, जो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जिनको जिनको चिली फिश बहुत पसंद है, उनको तो ऑलरेडी पसंद होगा ही होगा। और आप प्लीज़ गाइस मेरे को कमेंट में बताइए कि ये जो मेरा जो मतलब कैसा लगा मेरा ये डिश, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अभी मेरा जैसे कि चिली फिश ऑलरेडी जो फ्राई हो चुकी है, अभी जो थोड़ा बहुत जो है उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिए। आप सब लोगों से मुझे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अगर चैनल को अगर कमेंट नहीं करेंगे, अगर लाइक करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा ना कि आप सब लोग को अच्छा लगेगा। आप ऐसा करेंगे तभी तो मैं आप सबके लिए और भी बहुत ही प्यारा प्यारा एंड ऐसा मतलब स्पाइसी वाला ऐसा वीडियो मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ। और भी बहुत कुछ है आगे, अभी बहुत कुछ बाकी है, बस देखते रहो। तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी जो चिली फिश जो फ्राई कर लिया था उसको और थोड़ा सा मतलब उसको फ्राई कर लेती हूँ तो अच्छा होगा।
कि जो भी थोड़ा बहुत जो भी लग रहा है मुझे कि और थोड़ा इसको फ्राई करना चाहिए, तो मैं इसलिए इसको और थोड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो फाइनली मेरा जो चिली फिश है ऑलरेडी फिश फ्राई अच्छे से हो चुकी है। देख ही पा रहे हो कितना अच्छे से हो रहा है, कलर कितना अच्छा आया है, एकदम ब्राउन ब्राउन। मुझे तो खाने का बहुत मन कर रहा है, बट अभी नहीं खाना है, थोड़ा देर बाद, क्योंकि अच्छे से और भी बहुत कुछ प्रोसेस बाकी है। आप देखते रहिए, लेकिन आप देखिए ना कितना अच्छा मतलब लग रहा है, देखिए मेरा मुँह से पानी निकल रहा है, सच में क्या बोलूँ मैं आपको। अच्छा, अभी ऑयल गर्म हो चुकी है, तो इसमें क्या कर रही हूँ, मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ। लहसुन को थोड़ा लो फ्लेम में फ्राई करना है, जब तक ब्राउन नहीं होता है तब तक इसको अच्छे से फ्राई करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है, बस ब्राउन होना है। ठीक है, और इसके बाद जो हम ऐड करेंगे जो हमारा जो कटा हुआ जो प्याज एंड लहसुन जो था, लहसुन को ऑलरेडी ऐड कर दिया, अभी प्याज एंड मिर्ची इसको हम डाल दिए, एंड इसको हम क्या करेंगे अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। उतना ज़्यादा भी नहीं करना है, ठीक है, बट मतलब 3 से 4 मिनट से इसको अच्छे से फ्राई करना है, थोड़ा धीमी आँच में करना है, ज़्यादा हिट नहीं देना है, क्योंकि मैं आगे भी आपको बता चुकी हूँ। अभी मैंने कैप्सिकम एंड टोमेटो दिए हैं, इसको भी ऐड कर दिया है। अभी इसको क्या करेंगे हम अच्छे से 5 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे, एंड फ्लेवर के लिए मैंने अदरक डाला। अदरक डालने से क्या होता है, फ्लेवर चीज़ का जो फ्लेवर होता है वो और भी अच्छा होता है, असली जो टेस्ट होता है ना वो आ जाता है। और अभी मैं नमक ऐड कर रही हूँ, अंडे में इसको अच्छे से हम 5 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए एंड देखते रहिए, और भी बहुत सारा प्रोसेस है, और आप सब भी घर में ट्राई कीजिए, क्योंकि हर बार देखिए सबके पास उतना टाइम नहीं होता है कि रेस्टोरेंट में जाके खाए। मुझे तो मेरे को लगता है कि हम घर में भी इतना अच्छे से चिली फिश बना के खा सकते कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा टेस्टी आएगा। मतलब रेस्टोरेंट में क्या होता है, रेस्टोरेंट से भी घर का खाना बहुत ही और भी ज़्यादा ज़बरदस्त एंड टेस्टी होता है, तो इसलिए घर में ट्राई करना चाहिए, आप सभी ट्राई कीजिए। तो अभी जो मैं मतलब जो ऐड करूँगी ये आपका सॉस एंड उसके साथ सोया सॉस, दोनों को अच्छे से मिक्सिंग करके मुझे डालना है। तो आप सब लोग क्या है ना वो मतलब जिसको पहले से भी आप डाल सकते हो, तो मुझे को लगा कि मैं मिक्सिंग करके अच्छे से उसको मैरिनेट करूँगी, तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ मिक्स करके डालना है मेरे को, इसलिए दोनों को मैंने मिक्सिंग कर लिया। अभी मैं यहाँ पर डालूँगी, और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप घर में भी ट्राई कीजिए, बिल्कुल ट्राई कीजिए। ठीक है, घर में भी आप ऐसा बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डिश बना के खा सकते हो, जो रेस्टोरेंट से क्या रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी होगा। और जिसको बहुत सारे जैसे कि आप चिली चिकन खाते हो ना, ऐसे चिली फिश है तो चिली चिकन से भी ज़्यादा चिली फिश बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो अंडा ऐड कर सकती हूँ, बट मेरे को अंडा पसंद नहीं है एंड मैं अंडा नहीं खाती हूँ, तो इसके लिए मैंने अंडा नहीं कर दिया। तो आप लोग चाहे तो आप अंडा, जिसके जिसको अंडा पसंद है आप अंडा भी डाल के खा सकते हो, मतलब पका सकते हो। तो अभी क्या करना है कि जिसको जस्ट मेरे को पकाना है कुछ देर तक, ठीक है, कुछ देर तक ऐसा ही कुछ देर तक थोड़ा 3 से 4 मिनट तक इसको जस्ट पकाना है। उसके बाद इसमें और भी कुछ ऐड करेंगे, जो कि मैं आगे तक जो कि मैं आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए, आप सबको पता चलेगा। तो मैं क्या करूँगी इसके साथ जस्ट अभी जो देखती भी चीज़ है उसके साथ डाल देंगी, और इसको डालने के बाद और भी हमें इसको लो फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक इसको पकाना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी इसको थोड़ा देर के लिए हम पकाएंगे, हम तब तक के लिए आप सभी बने रहिए। और जैसे कि और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मुझे ग्रेवी बहुत पसंद है, तो ग्रेवी के लिए मैं क्या कर चुकी हूँ, मेरा जो वो आपका जो मैंने आपको बताया था कि मैंने हाफ उसमें जो मतलब हाफ कप जो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था उसमें से मैंने थोड़ा सा लेके क्या किया, मैंने पहले से मिक्सिंग करके मतलब पानी के साथ मिक्स करके रखी हूँ, तो मुझे ग्रेवी पसंद है इसलिए मैं इसमें थोड़ा ऐड करूँगी। आप अगर जिनको ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं है वो आप चाहे तो वो स्किप कर सकते हो, ऐसा कि ज़रूरी नहीं है, बट मेरे को ग्रेवी बहुत पसंद है इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, जैसे पहले से था जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ग्रेवी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मुझे ग्रेवी पसंद है इसीलिए। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा टाइम के लिए इसको पकाएंगे,
उसके बाद मेरा चिली फिश रेडी हो जाएगा। एंड तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए। हाँ, मुझे पता है कि आप सब लोग का भी मुंह से पानी निकल रहा है, आप सब लोग को टेस्ट नहीं कर पाओगे, टेस्ट तो मैं ही करूँगी, लेकिन गाइस बिल्कुल आप लाइक कमेंट सॉरी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मेरा डिश कैसा लगा है। एंड आप भी घर में इसका डिश मतलब ट्राई कर सकते हो, एंड जो कि आपका रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट एंड टेस्टी होगा एंड आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड जिसको नॉन वेजिटेरियन जो है वो तो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, मुझे पता है, और जो वेजिटेरियन है मुझे पता है वो लोग शायद इतना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। मुझे इतना पता है कि ये बहुत ही अच्छा लगेगा एंड बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और जिसको जो कि मतलब बहुत जन है जो कि आप घर में बहुत ही ज़्यादा जन ऐसा होता है कि चिली चिकन बना के खाते, तो गाइस चिली फिश भी बहुत टेस्टी लगेगा, चिली चिकन से भी ज़्यादा टेस्टी होता है चिली फिश, एक बार बना के ज़रूर देखिए। तो लगभग मेरा हो गया, आप देख ही सकते हो कितना अच्छा कलर आया है मेरा चिली फिश का।